1972 से दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर में लीडर है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखेंगे इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजे कब आ रहे हैं और क्या दोस्तों आपको इतनी गिरावट में जो कि फ्राइडे को हमको देखने को मिली थी और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों मेरा नाम है आसम और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग नाउ। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कंपनी 1995 से लिस्ट है, तब से अब तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 60,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसके अलावा 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 45% के आसपास की प्रमोटर की हिस्सेदारी है, किसी भी शेयर को इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। 35% के आसपास पब्लिक है, 8% TII, 8% FII और 10% DII की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। दोस्तों सबसे खास बात कंपनी की ये है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। ईयर ऑन ईयर पर आप रेवेन्यू देखेंगे कितनी शानदार तरीके से बढ़ा है और इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि दोस्तों कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से बना रही है। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर पर 5 साल का डेटा आपकी स्क्रीन पर है, कितने शानदार तरीके से इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसमें आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर पर रिजर्व काफ़ी शानदार तरीके से बढ़े हैं, 1800 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं। दोस्तों कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में किसी भी तरीके का कोई भी कर्जा नहीं है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये राय दे सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और दोस्तों आप चाहते हैं इस कंपनी के शेयर को खरीदना, तो आप गिरावट में इसको और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करती है और दोस्तों बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों ये कंपनी अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश करने वाली है, जिसकी डेट है 24 जनवरी। तो दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा किस तरीके के नतीजे इसके हमको देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।